बुलंद आवाज में लगाओ जरा अयोध्या पति का जयकार। जय जय श्री राम। इनविटेशन नहीं दिया जाएगा इसके लिए, क्योंकि अभी नहीं बोले तो कब बोलोगे प्यारे? अगर अभी नहीं जागे, उसी में बने रहे वो हाय वो हेलो, तो क्या फायदा? अब तो युग बदल रहा है। आने वाली 22 तारीख से हमारे भारत में राम राज्य आने वाला है, तो बोलना पड़ेगा जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सिया राम, राम सिया राम। अभी इतनी बात से भी कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ की मौनी अमावस्या है। आज अमावस्या नहीं है, आज एकादशी है, सफला एकादशी। जिस एकादशी पे आप जो बोलेंगे इस दरबार से, निश्चित रूप से गांठ बांध लेना मेरी बात को, सफल होके ही जाओगे। ये बहुत दरबार है, क्योंकि दिल्ली दिल्ली कोई ऐसी वैसी जगह अब नहीं रही। दिल्ली स्वयं में एक धाम बन चुकी है, जहाँ 20 से 25 कीर्तन रोज होते हैं। अरे 33 कोटि देवी देवता भी अब तो यहाँ वास करते हैं, ये वो जगह बन चुकी है। आप दिल्ली रहते हो, एक बार अपने लिए गर्व के साथ जोरदार तालियां बजा लो। अब मेरे साथ मिलके बोलना राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम जय जय राम। देखो मैंने राम का नाम लेने की शुरुआत करी, और देखो मुझे लगता है किसी स्कूल से छात्रों की लाइन चलती चली आ रही है, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है। क्या बात है, लोगों की सोच हो गई है भैया। जो कहते हैं खाटू हो चाहे कोई भी धाम हो, भीड़ बढ़ती जा रही है। अरे ये मूर्खता है उनकी, वहां भीड़ नहीं बढ़ती जा रही है, वहां वो युवा पीढ़ी जा रही है जो एक समय अश्लील गानों पे फूहड़ता वाले गानों पे नाचती थी। 31 तारीख को ही ले लो, इससे पहले कहीं डिस्को कहीं बार में जाके तमाशा करती थी। अब हमारे देश की युवा पीढ़ी देखो भजनों में आके झूम रही है, तो ये हमारे लिए कितने बड़े गर्व की बात है। राम सिया राम, ओ राम सिया राम, ओ मंगल भवाने द्रबहु सुदशरथ, राम सिया राम, ओ राम सिया राम। आइए, क्योंकि हम सबों के बीच में श्री बालाजी महाराज ने आशीर्वाद भेजा है। पता हाँ मुझे कितनी बातें आज मुझे याद आ रही है। लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, अब क्योंकि हर किसी का प्रश्न का उत्तर देना ये मेरा परम कर्तव्य है। अब एक तो उत्तर प्रदेश से हूँ, यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर भी देती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, है ना। लोगों ने मुझसे कहा अंजलि जी दुनिया के पास तो चिट्ठी आ रही है 22 तारीख की अयोध्या के लिए, आप पहले कैसे पहुंच गए? तो मैंने उनको बताया जब अयोध्या होके आए, जगह जगह जब कीर्तन किया, दिल्ली किया, जलंधर किया, तो मैंने उनको बताया अयोध्या पति ने मुझे बुलाया। इसलिए अयोध्या पति ने कहा जाओ बेटे जी पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पिटवा दो, आने वाली 22 तारीख को घर घर में दीपावली होनी चाहिए। क्योंकि जब जब 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद हमारे राम लला जब वापस आए थे तो दीपावली मनाई थी, अब तो 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं। इसीलिए कर लो उत्सव की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, भगवाधारी आओ जैसे भगवा लहराता है। आज मैं आप सबके लिए रामलला का आशीर्वाद लेके अयोध्या से आई, मरकट वाले बालाजी महाराज से, हमारे महाराज जी वरुण जी पवन बेग से आप सभी के लिए आशीर्वाद लेके आए। आओ जरा मिलके दोनों हाथ उठा के जैसे ध्वज लहराता है ठीक
उसी प्रकार उठाओ जरा अपने दोनों हाथ, दोनों हाथ, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, दोनों हाथ उठा के और जैसे ध्वज लहराता है अपने हाथों को लहराते हुए, राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, तब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान से, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, अभगपति राम जय जय राम, राजा राम जय जय राम, अभगपति राम जय जय राम। अब जो लाइनें कहने जा रही हूँ
निवेदन इतना है, किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, खुद का भी और पड़ोसी को भी चेक करते रहना। हाय हेलो वाला तो नहीं है, राम वाला है, श्याम वाला है, उठा देना दोनों हाथ। ओ नहीं, अगर आप चाहें
तो राम राज्य की शुरुआत कल से हो सकती है। आप चाहे अभी इसी क्षण से हो सकती है। कैसे? जिस दिन से हमारे देश का कोई भी पुरुष पराई स्त्री की तरफ गलत नजर से नहीं देखेगा, अगर देखेगा तो बहन और माँ की नजर से देखेगा, भारत में राम राज्य की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। जय श्री राम। अगर हमारे देश के जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सब घरों में होंगे, भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा, हमारे घर के बुजुर्ग अपने पोते पोतियों के साथ में घरों में खेल रहे होंगे, भारत में राम राज्य की शुरुआत उसी दिन से हो जाएगी। जिस दिन से एक भी वृद्धाश्रम भारत में नहीं होगा, आपके हाथ में है, आप चाहो तो अभी से आ सकता है। राम राज्य फिर आएगा, ऋषि मुनि साधु संतों की मेहनत रंग लाएगी, भारत की यश कीर्ति दिन पे दिन बढ़ती जाएगी, भारत की यश कीर्ति दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। आने वाले दिनों में भारत विश्व गुरु चाहिए।